हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम और सट्टेबाजों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपदीय एसओजी और थाना हापुड़ देहात की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा आईपीएल मैचों में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 2,47,500 रुपए नकदी, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन और एक i10 कार बरामद हुई है। उपरोक्त गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में थाना हापुड़ देहात पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना हापुड़ देहात और एसओजी की पुलिस द्वारा दो आईपीएल में सट्टा लगाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,47,500 रुपए, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और एक i10 कार बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त जो हैं ये वो क्रिकेट लाइव गुरु ऐप के माध्यम से आईपीएल मैच का स्कोर टारगेट करते थे और इनके पास एक स्पेशल ऐप था, बेटिंग असिस्टेंट आईबुक ऐप, इससे वो अपना हिसाब किताब रखते थे मैच के एंड में कि कितना किसने हारा कितना जीता। ये दोनों अभियुक्त अजीम और अराफत हापुड़ के रहने वाले हैं और इसके अतिरिक्त जो भी इनके गिरोह में शामिल हैं उन लोगों के नाम हम लोग प्रकाश में ला करके और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल थे? ये काफ़ी लंबी चेन है, जो पैसे लगाते हैं उनको इनके टेक्निकल लैंग्वेज में फंटर बोलते हैं और आगे जिनको देते हैं वो बुकी होते हैं और अगला बुकी जो है वो अगले बुकी के लिए वो फंटर हो जाता है। इस तरीके से एक चेन है जिसमें ये पैसे लगाते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट लॉस है उसके कमीशन के अनुसार ये प्रॉफिट कमाते हैं और अन्य लोगों को इसमें शामिल करते हैं। सर, कितने समय से इसका ये भी और जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और ये जो आईपीएल में जो सट्टे लग रहे हैं ये सेशन वाइज भी लग रहे हैं, जैसे 5 से 10 ओवर, 10 से 15, 15 से 20 पर बॉल भी हर बॉल या कुछ उससे पहले और हार जीत पर तो लगता ही है। इस प्रकार से कई फेजेज में ये रेट खुलते हैं और उस हिसाब से सट्टा लगाते हैं और इस पर कमीशन लेते हैं।